कहते हैं कि जी क्या तबलीगी जमात में जुड़ना ज़रूरी है? मस्जिद में जो तबलीगी आमाल होते हैं, अगर हम इसमें नहीं जुड़ना चाहते और वो ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं जुड़ो, तो क्या हमें इसमें जुड़ना ज़रूरी है? अगर हम इसकी जगह कोई और नेक अमल कर लें तो कैसा है? भाई मोहम्मद आसिम जब इतना इसरार कर रहे हैं तो जुड़ जाया करें यार, वो मोहब्बत में कह रहे हैं। बाकी शरी तौर पे तो जुड़ना ज़रूरी नहीं है, ज़ाहिर है असल तो यानी हर इंसान आज़ाद है, वो जिस तरह से चाहे तबलीग करे, जिस जो अपना अमल करना चाहे। लेकिन एक दुनिया में इतना काम हो रहा है, आपके जुड़ने से उनको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, तो जुड़ जाया करें। फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन नाजायज़ भी तो नहीं है ना, सवाब तो है बहरहाल। नहीं अलिल मुनकर फ़र्ज़ है, फिर नहीं अलिल मुनकर हर आदमी अपने अंदाज से कर सकता है, कोई किसी तरीके से नहीं अलिल मुनकर करता है, कोई किसी तरीके से नहीं अलिल मुनकर करता है। तो तबलीगी जमात वाले भी नहीं अलिल मुनकर का एक शोबा है जिसको वो इख्तियार किए हुए हैं, जिससे बहुत सारे शोबे ज़िंदा हो जाते हैं। तो अगर आप तबलीग वाले वालों के साथ जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह इसकी आपको दुनिया और आखिरत में बहुत ज़्यादा बरकतें हासिल होंगी। तो मशवरा है मेरा, जुड़ लिया करें, बाकी फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। इसी तरह कोई अगर बहुत ज़्यादा किसी के पीछे पड़ रहा है बार बार के जुड़ो, अमल में जुड़ो, तबलीग वाले ऐसा करते नहीं हो तो मोहब्बत से कहते हैं एक दफ़ा मान जाएं, ठीक है, नहीं तो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके लिए भी ठीक नहीं है बार बार किसी को इसरार करना कि भाई आप मेरे साथ ही इस काम में जुड़ें या इस तालीम में लाजमी बैठें आप। तो तबलीग के अकाबिर भी इससे मना करते हैं और इसका नुकसान भी होता है, लोग फिर बिदकना शुरू हो जाते हैं।